होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रबंधों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दो कंपनी अर्धसैनिक बल व एक कंपनी पीएससी को मतगणना परिसर में तैनात किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए श्रुति सिंह व एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि इसके अलावा जिले का फोर्स अलग लगेगा। जिले के पुलिस बल में 105 सब इंस्पेक्टर, 117 मुख्य आरक्षी, 816 आरक्षी भी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे और लगभग सभी थाना अध्यक्षों को नई मंडी परिसर के अंदर या बाहर ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति मतगणना पंडाल में प्रवेश नहीं करेगा। मोबाइल, लाइटर, पानी की बोतल इत्यादि को अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही उस दिन भरथना चौराहे से लेकर दतावली तक इटावा फरुखाबाद मार्ग बंद रहेगा। इसके रूट का डायवर्जन भी किया जाएगा और इसकी सूचना एक दिन पहले ही दे दी जाएगी। दस तारीख को जो मतगणना तीनों विधानसभाओं की होनी है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मंडी परिसर जहां पे स्ट्रांग रूम्स बने हैं वहीं पर तीनों विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम्स की काउंटिंग भी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, मतगणना स्थल जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मिली हुई है वो लगेगी। एक कंपनी पीएसी की लगाई जाएगी, इसके अलावा जनपदीय पुलिस लगेगी। मतगणना स्थल जो होगा इसके प्रभारी एक एडिशनल एसपी होंगे। बाहरी हिस्सा जो होगा उसके दूसरे प्रभारी होंगे। तीन सीओ जो तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए लगाए गए हैं। इस तरह से जनपदीय पुलिस, दो कंपनी सीपीएमएफ और एक कंपनी पीएसी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो तो इसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है। पूरी तरह से जहाँ मतगणना स्थल है मंडी वाला हिस्सा उसको बैरिकेडिंग करके केवल जो पास धारक होंगे उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। अगली खबर